ना एक्टिंग का तेज ना डायरेक्शन का जश, जाने कैसी है कंगना रनौत की तेजस। कंगना रनौत बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें अपने दम पर फिल्में चलाने के लिए पहचाना जाता है। अगर कंटेंट शानदार हो तो कंगना रनौत की कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती, बल्कि पिछले कुछ समय से वह अपना जादुई पर्स खो चुकी है क्योंकि बैक टू बैक उनकी फ्लॉप फिल्में आ रही है। अब उसकी तेजस फिल्म आ चुकी है, अब मैं करूंगा उसका रिव्यू। तेजस फिल्म की कहानी तेजस गिल की है जो वायुसेना में पायलट है और अति उत्साही भी है। वो लड़की देश के लिए कुछ करना चाहती है और उसे किसी भी बात की कोई भी परवाह नहीं है। तेजस पायलट बनती है और वह देश की खातिर मुश्किल से मुश्किल मिशन कर जाती है। फिल्म में इन्हीं मिशनों की कहानी को दिखाया गया है और तेजस की बहादुरी को भी। पूरी फिल्म में एक हड़बड़ाहट नजर आती है और वो है कंगना रनौत को देश की खातिर मिशन पर भेजने की। पूरी फिल्म में एक हड़बड़ाहट नजर आती है और वो है कंगना रनौत को देश के खातिर मिशन पर भेजने की। यह फिल्म देशभक्ति के जज्बे पर शानदार है। तेजस गिल के बारे में बहुत कहानी में इधर नहीं बता सकता क्योंकि वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा थिएटरों में यानी कि सिनेमा घरों में। तेजस मूवी का डायरेक्शन सर्वेश मेवाड़ा ने किया है। उन्होंने कहानी का विषय भी अच्छा चुना और एक्ट्रेस भी शानदार चुनी, लेकिन मिसिंग पॉइंट एक ही है कि ना तो वो कहानी में जितनी गहराई हमको चाहिए थी वो नहीं दिखा पाए है, ना ही तो वो एक्ट्रेस के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाए है, और फिर टेक्नोलॉजी का दामन भी उस तरह से नहीं थाम पाए जो उनकी नया पार लगा पाता। एक बात बिल्कुल भैया सच है कि हमको फिल्म में देशभक्ति का जज्बा कण कण में हमको देखने को मिला है। इसमें महिलाओं की सेना में सशक्त भूमिका पर भी रोशनी डाली गई है। देशभक्ति पर बनी फिल्में और कंगना रनौत की फिल्में देखना जिन्हें पसंद है वो एक बार इस फिल्म को जरूर ट्राई करें, यानी कि जरूर इस फिल्म को एक बार देखें और बाकी सब बातें आप पर निर्भर करती है। मेरे हिसाब से मूवी का माइनस पॉइंट देखा जाए तो फिल्म को थोड़ा सा गहराई में ले जाकर दिखाया होता तो फिल्म कुछ नेक्स्ट लेवल की ही बनी होती। कोई फिल्म को देखे या ना देखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर एक लोग जरूर देखे जो देश की खातिर देश की सेवा करने के लिए पायलट में महिलाएं जाना चाहती है वो एक बार इस फिल्म को जरूर देखे। ऐसा नहीं कि महिलाएं सिर्फ इस फिल्म को देखे जो पायलट में जाना चाहती है, बल्कि एक मूवी को वो भी जो नॉर्मल लेडीज होती है वो भी लड़कियां भी देखे, क्योंकि उसको भी पता चले कि हमारे देश की लड़की क्या कर सकती है और कैसे सब पर अंगारे बरसा सकती है। छोटे छोटे 15-15 सेकंड और 30-30 सेकंड 1-1 मिनट का जो रील्स और शॉर्ट बनाती है जो लड़कियां, वो इस फिल्म को एक बार जरूर देखें और ताकि पता चल सके कि भारत देश की लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती। इस विषय पे तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर आज का वीडियो का टॉपिक था तेजस मूवी का रिव्यू, तो आज के वीडियो में उसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो मैंने कह दिया है। अब निर्भर करता है आपके ऊपर, आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे मुड़कर फिर से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। माइंड लगाकर समझना है, ये वीडियो कुछ मैंने अलग तरीके से बनाया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।